धीरज तिवारी, आप यहीं के हैं? पारा के। तो ये जो मैं देख पा रहा हूँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो लॉक अभी लगा है, तो ये खुलता कब है? इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं रहता, नहीं जब कभी हम आते हैं कहीं, किसी दिन खोलते भी देखते हैं, किसी दिन बंद भी रहता है, कोई कंफर्म नहीं बता सकते कि कब खुलता है कब नहीं। डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते हैं? डॉक्टर आते हैं लेकिन उतने नहीं है कि दो देखते हैं जो देखते हैं, लेकिन इलाज इलाज के लिए हम लोग कोई कभी नहीं आते। इलाज होता है यहाँ कि नहीं होता है? नहीं, आते ही नहीं, दवा नहीं है, दवा ही नहीं है यहाँ, दवा भी नहीं रहती, पट्टी नहीं रहती, देखो हमारे पैर पे देखिए, मांगो तो पट्टी नहीं रहती। अच्छा, पट्टी भी नहीं आ रही, पट्टी भी नहीं, नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। अच्छा अच्छा, मैं दो तीन बार आया हूँ, कहते हैं यहाँ गोहरियार तक में, कहते हैं नहीं है तो यहाँ कहाँ से आएगी। अच्छा ऐसा, अभी आए घंटे दो घंटे बैठे अपने चले गए, जब खुलेगा नहीं समय से तो आएगा कौन, अगर प्रतिदिन महीने दो महीने बंद के अगर खुलता रहे तो लोगों को विश्वास हो तो यहाँ आए। तो आपका कहना है कि कभी कभार खुलता है ये? कभी कभी। और डॉक्टर भी कभी कभार आते हैं? कभी कभी आते हैं। और यहाँ कुछ भी नहीं आपको मिलता है? जी नहीं। आप कितनी बार यहाँ आए अपने इलाज कराने? मैं दो तीन बार आ चुका हूँ। दो तीन बार आप आ चुके हैं, इलाज मिला आपको? कोई इलाज नहीं मिला, दवाई नहीं रहती तो इलाज कहाँ से मिला? कुछ नहीं मिलता है। तो ये नाम के लिए बना है? नाम है ही, अभी उद्घाटन हुआ है, नया बनना है, कहते हैं जब नया बनेगा तब यहाँ डॉक्टर रहेंगे, तब इलाज होगा, तब दवाइयाँ रहेंगी, अभी व्यवस्था नहीं है। कब इसको खुला देखा है? इसको एक ही दो बार देखा है शायद, चौमासी में तो कभी देखा ही नहीं, बारिश के मौसम में खुलता नहीं है। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ ये पानी तालाब है, तो पानी भी आ जाता है क्या यहाँ से? यहाँ पर भरा ही रहता है, भरी रहता है अभी तो, जैसे ठीक है। और ज्यादा जब कम से कम दो तीन महीने बारिश नहीं होगी जब यहाँ का पानी सूखना है। जैसे किसी को चोट वोट लगती है तो सबसे पहले तो यहीं आता होगा फिर इलाज? मेडिकल खुले है, मेडिकल जाते हैं? मेडिकल ही जाते हैं, और यहाँ नहीं आते हैं, मेडिकल जाते हैं? हाँ मेडिकल। अच्छा, मतलब उनको मेडिकल पे ज्यादा विश्वास है, यहाँ उनका इलाज नहीं होता? कंफर्म नहीं रहता ना, खोला है कि बंद है, तो यहाँ इतनी दूर कौन आएगा, थोड़ा बहुत छोटा गाँव तो है नहीं, अब उस तरफ आने में यहाँ आधा घंटा लग जाना है, मालूम चला कि डॉक्टर ही नहीं है तो करेगा क्या, तो इससे अच्छा है मेडिकल में भैया 5-10 रुपए दो, 20 रुपए दो, इलाज अपना कराओ जाओ। मतलब लोग मेडिकल जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनको वहाँ सुविधा है, पर हॉस्पिटल नहीं आते हैं, ये कन्फर्म है। जब बहुत ज्यादा चोट लग गई हो या फिर ऐसा है, बहुत ज्यादा लगती है तो सीधे बांध जाते हैं यूपी, यूपी जाते हैं, यहाँ नहीं आते हैं। अच्छा, डिलीवरी होती है यहाँ? नहीं, ये सब नहीं, डिलीवरी अगर कोई कोई व्यवस्था नहीं यहाँ देखा ही नहीं डिलीवरी। कितने डॉक्टर आपने कितने देखे यहाँ? यहाँ पर ऐसे ही एक दो नर्स आती हैं, एक दो डॉक्टर आते थे पहले, लेकिन अभी हाल में नहीं देखे, दो तीन महीने से आ रहे हैं। डॉक्टर और दवाई दोनों चीजें मौजूद में नहीं है? नहीं है। नहीं, तो आप इतनी दूर बांधा गए? बिल्कुल, जाना ही पड़ेगा जी। तो आपको खर्चा ज्यादा लग गया होगा? बिल्कुल, खर्चा ज्यादा लगता ही है। मतलब एक पट्टी कराने के लिए आपको बांधा जाना पड़ा? पट्टी, दवाई, गोली, सभी चीजें हैं कि बांधा जाना ही पड़ता है। खर्चा आपका हुआ है? खर्चा होता ही है। तो सरकारी जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं आपको मिली? नहीं मिलती यहाँ पर, तो ना किसी क्षेत्र में किसी भी भाई लोगों को, पंचायतों में नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, नहीं मिलती। तो ना तो डॉक्टर है यहाँ और ना ही दवाई है। ये जानवर शाम के आएंगे, सब यहीं बैठेंगे, सुबह तक रहेंगे, सुबह निकल के अपना हार में चले जाएंगे। जानवर बैठते हैं यहाँ? जी हाँ, हॉस्पिटल में यहाँ जानवर बैठते हैं? जी हाँ, जानवर बैठते हैं, आप देख लीजिए, दिखा दीजिए, सब पड़ा नहीं है। अच्छा, ये गोबर उन्हीं का है? हाँ, उन्हीं का यहीं बैठते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि हॉस्पिटल में शाम को जानवर आ जाते हैं और यहीं बैठते हैं, और यहीं आप देख सकते हैं कि वाकई में यहाँ की हॉस्पिटल की हालत खराब है।